सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इंट्राडे गाइड को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। हे गाइस, स्वागत है आपका इंट्राडे गाइड पे। मैं हूँ आपका दोस्त शिवांश भसीन। तो आज हम बात करेंगे कि 29 मई को, मतलब जो मैं आपके लिए आज वीडियो बना रहा हूँ, तो आप सब जानते ही हैं कि मैं यूट्यूब पे जो आपको कॉल्स बताता था कि आप कल मार्केट में ये बाय करके चलना, वो वीडियो मैंने अपलोड करना बंद कर दिया है क्योंकि वो मैंने पेड कर दिया है। तो जो भी मेरे क्लाइंट्स थे, अगर हम बात करें तो क्लाइंट्स तो नहीं कहना चाहिए, जो भी हमारे फ्रेंड्स थे जिनको भी मैं सजेस्ट करता हूँ ये स्टॉक, जो भी मेरी रिकमेंडेशन ले रहे हैं, मुझे पेड दे रहे हैं, पेड सर्विस मेरी ले रहे हैं, तो वो सब एक तरीके से हमारे फ्रेंड्स ही हैं। तो मैं उन लोगों को कुछ कॉल्स प्रोवाइड कराता हूँ जब भी मार्केट ओपन होती है। मार्केट 9:15 पे ओपन होती है तो मैं उन्हें 9:15 to 11 के बीच पे कॉल्स प्रोवाइड कराता हूँ। मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 कॉल्स प्रोवाइड होती है उन्हें, और वो उसके बीच में ट्रेड लेते हैं। जो भी उन्हें बताया जाता है इस प्राइस पे उन्हें बाय करना है, वो इस प्राइस में बाय करते हैं, और पर्टिकुलर टारगेट और स्टॉप लॉस उन्हें दिया जाता है ट्रेड करने के लिए। तो हम देखते हैं कि जो मैं आपको स्टॉक टारगेट्स बताए थे कि आज जो मैंने 29 मई को उन्हें बाय करने और सेल करने की सलाह दी थी, वो हमें टारगेट्स और स्टॉप लॉस अचीव होते हुए दिख गए। तो आज हम बात करते हैं, आपको इस वीडियो के एंड में प्रूफ भी दिखाया जाएगा कि हाँ, मैंने सही में उन लोगों को स्टॉक्स बाय करने की सलाह दी थी। तो आप भी बढ़ते हैं कि कौन से स्टॉक्स मैंने आज उन्हें सजेस्ट करे थे कि बाय करके चलिएगा। तो टाटा एलेक्सी था, जब मार्केट ओपन हुई थी तो मैंने टाटा एलेक्सी को उन्हें बाय करने की सलाह दी थी। मैंने बोला था 1223 पे आपको बाय करना है, इस पे जो टारगेट आपका अपसाइड रहेगा 1230-1235 रहेगा, स्टॉप लॉस आपको 1212.40 का 60 का मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो हमने देखा था कि टाटा एलेक्सी में हमें यहाँ पर मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट के अंदर ही हमारे टारगेट्स अचीव होते हुए दिख गए थे, और मैंने उन्हें ये भी सलाह दी थी कि इस टारगेट पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए और ऊपर की तरफ ट्रेल करते हुए चलिए। तो लोगों को, अगर इन लोगों ने ट्रेड लिया होगा, मेरे जो क्लाइंट्स थे उन्होंने अगर ट्रेड लिया होगा, मेरे फ्रेंड्स ने ट्रेड लिया होगा, तो उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। सन फार्मा की बात करते हैं तो वो भी मैंने बाय करने की ही सलाह दी थी उन्हें। हमने देखा था कि जिस तरीके से ये गिरा था, हमने देखा था अच्छी खासी रिकवरी आई थी, चार्ट पैटर्न में लग रहा था कि ये यहाँ से 9-10 पॉइंट तक की रैली दे सकता है, तो हमने बाय की सलाह दी थी। बाय की रेटिंग इसको दी थी 501.50 के टारगेट प्राइस पर। हमने से बोला था कि आप बाय करके चलिए विद अ टारगेट ऑफ 507, स्टॉप लॉस आपको 496 लगा के चलना है। तो हमने देखा था कि इसका भी टारगेट हमें एग्जैक्ट 15-20 मिनट्स के अंदर अचीव होते हुए दिख गया था, और अपसाइड में ये 510 तक भी चला गया था। जेट एयरवेज की बात करें तो जेट एयरवेज को भी मैंने सेल करने की सलाह दी थी 430 के, आपको मैंने बोला था अराउंड आपको सेल करना है इसमें, जो टारगेट आपको मिल सकते हैं 424-421 तक के मिल सकते हैं, स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर मैंने 434.30 का मेंटेन करने की सलाह दी थी, जो कि इसका ओपन और लो था स्टॉप लॉस जो मैंने आपको सजेस्ट करने की सलाह दी थी। हम देख रहे थे कि ये जो जेट एयरवेज था वो कंसोलिडेट कर रहा था कुछ लेवल्स पे, 2426-429 के लेवल्स पे सस्टेन कर रहा था, पर हमने देखा कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो हमें उसका पहला टारगेट अचीव होते हुए दिख गया, और शायद हमारा दूसरा टारगेट भी अचीव हो गया होगा। तो अभी मैं वो वीडियो बना रहा हूँ तो मैं अपने टारगेट्स को देख नहीं पा रहा हूँ। तो ये मैंने आपको 3 स्टॉक्स इंट्राडे के अंदर सजेस्ट करे थे जिससे मेरे फ्रेंड्स ने और क्लाइंट्स ने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा, अगर उन्होंने सेम टाइम पे, जिस टाइम मैंने उन्हें ब्रॉडकास्ट करा, उन्होंने रीड कर लिया होगा। तो अगर आपको भी पेड सर्विस चाहिए मेरी, अगर आप सोचते हैं कि जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करता था अपने यूट्यूब चैनल पे, और आपको मैं 6 महीने से सजेस्ट करता था, वो सारी आपको हर दिन बताता था 6 महीने में कि आप ये बाय करके चलिए, ये सेल करके चलिए अगले दिन मार्केट में, अगर आपको मेरे पे थोड़ा कॉन्फिडेंस लगता है कि आप सोच सकते हैं कि हाँ, मैं आपको थोड़ा कुछ कमा के दे सकता हूँ, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाला हुआ है। तो अगर ये सर्विस जो इंट्राडे कॉल्स में प्रोवाइड कराता हूँ, साथ ही साथ मैं आपको कॉल्स भी प्रोवाइड कराता हूँ BTST के अंदर, ये सारा काम हम व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट मैसेज के थ्रू करते हैं, जिसपे मैं आप लोगों को BTST कॉल्स की बात करें तो कॉल्स वो होती हैं जो आपको मार्केट क्लोज होने के बाद रात को आपको बताई जाती है कि कल सुबह आपको ये स्टॉक्स खरीद के चलने हैं। तो वही स्टॉक्स भी मैंने आज बताए थे। तो उनका, अगर हम पेड सर्विस की बात करें तो पेड सर्विस का मेन मोटिव ये है कि जब मार्केट ओपन हो तो आपको 3 कॉल्स प्रोवाइड कराना इंट्राडे बेसिस के अंदर, जो आपको रात को ही कॉल्स प्रोवाइड करा दी जाती हैं कि आपको कल मार्केट में ये बाय करके चलना है, ये सेल करके चलना है, वो आपके डिपेंड और आपके एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप वो परचेज ये सेल करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। तो अगर आप मेरी पेड सर्विस लेना चाहते हैं तो आप मुझे एक बार व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे से पूरी इंक्वायरी ले सकते हैं, और मैंने इसके लिए 2 वीडियोस बनाई हुई है, मेरे चैनल पे आप जा सकते हैं, वहाँ पर आपको 2 वीडियो शो कर जाएंगे इंट्राडे गाइड पेड
वहाँ पर जाके आप वीडियो अगर देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। और मैं आपको दो अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड कराता हूँ जिस पर मैं आपके लिए पोर्टफोलियो मैनेज और आपका स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स की स्ट्रैटेजीज आपके साथ डिस्कस होती हैं। अगर हम पोर्टफोलियो मैनेज की शॉर्ट में बात करें तो मैं आपका पोर्टफोलियो बिल्ड करने में आपकी मदद करता हूँ। मैं उस पर आपको सजेस्ट करा जाएगा आपको ये पर्टिकुलर शेयर्स, ये पर्टिकुलर सेक्टर के इतने शेयर्स बाय करके अपना एक पोर्टफोलियो मेंटेन करना है। आपकी इन्वेस्टमेंट देखी जाएगी, आपका टाइम होराइजन देखा जाएगा, उसके हिसाब से हम अपने चार्जेस लेते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक महीना या डेढ़ महीने के अंदर 7 से 12% तक का किसी पर्टिकुलर स्टॉक में रिटर्न चाहना चाहता हूँ, मैं शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना चाहता हूँ, तो आप आपको स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स भी 3 स्टॉक्स आपको सजेस्ट करते हैं जो आप बाय कर सकते हैं। तो अगर आप ये मेरी 2-3 सर्विसेज चाहते हैं, अगर आप इसमें से कोई इंटरेस्टेड है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मेरे से इंक्वायरी ले सकते हैं और आप फुलफिल ट्रेड हर दिन पाएंगे। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ प्रूफ जो मैंने ब्रॉडकास्ट मैसेज के थ्रू करा था, तो आगे आप उसमें टाइमिंग्स भी देख सकते हैं। तो ये आपको देख रहा होगा, ये मैंने आपको फोटो शो कर रही होगी, फोटो पे मैंने उन्हें 5 कॉल्स दी थी जो उन्हें बाय करके चली थी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने लिखा था कि टुमारो 5 ट्रेड्स, कल मैंने उन्हें 11:30 बजे ये ट्रेड्स दी थी कि आपको बाय करके चलनी है, अपना खुद का एनालिसिस करिए तभी आप इसमें ट्रेड लीजिएगा। क्योंकि जो मेन मोटिव है हमारी पेड सर्विस का वो इंट्राडे कॉल्स है जो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, इस पर हमारा कुछ नहीं है। अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको ये भी बताता हूँ मार्केट ओपन होने से 1 घंटा पहले की कौन से सेक्टर्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आज वीडियो में खुद भी 1 घंटा पहले ही पोस्ट कर दिया था, लोगों को बता दिया था कि बैंक्स कंसोलिडेट या सेल हो सकते हैं, NBFC बाय है, हॉस्पिटल के जो सेक्टर्स हैं अपोलो हॉस्पिटल, वेदांता, ये सब लोग सेल में जाएंगे, शुगर सेक्टर्स बाय है। तो अगर आप खुद ट्रेड लेना चाहते हैं, तो अगर आप मेरे 3 कॉल्स के बाद भी ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप खुद पता लगा सकते हैं कि ये पर्टिकुलर सेक्टर में मुझे बाय या सेल करके जाना है और मैं इनमें से अपने कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स सजेस्ट कर सकता हूँ या ढूंढ सकता हूँ इंट्राडे पर्पस के लिए, तो आपके लिए आसानी हो जाती होगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपको शो हो रहा होगा कि मैंने आपको सलब बताया था कि टाटा एलेक्सी बाय करके चलना है 1223 पे, टारगेट स्टॉप लॉस इफ क्रॉस 1230 तो आपका स्टॉप लॉस आपको वहां मेंटेन करके रखना पड़ेगा और अपने प्रॉफिट को ट्रेल करना पड़ेगा। तो ये सारी मैंने आपको जो बताया था वो आपको मैंने प्रूफ के दौर में यहाँ पर दे दिया। आप टाइमिंग्स भी देख सकते हैं किस किस टाइमिंग मैंने दी थी और किस किस टाइमिंग हमारा टारगेट हमें अचीव होते हुए दिख गए थे, तो आप एक बार चार्ट में भी जाके खुद देख सकते हैं। तो अगर आप सर्विसेज में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरी पेड सर्विस ले सकते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा वो डिटेल्स मिल जाएंगी और आप मेरी वो वीडियोस भी देख सकते हैं। इस आखिरी वीडियो के एंड में आपको वो 2 वीडियोस भी शो कर जाएंगी और ऊपर आए बटन में भी आपको वो 2 वीडियोस शो कर जाएगी, जिससे आप एक बार देख के अपना खुद मन बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि YouTube चैनल पे मैं क्या पोस्ट करूंगा, क्योंकि मैं आपको तो हर दिन वही पोस्ट करके देता था कि कल मार्केट में क्या खरीद के चलना है। तो मैं फ्यूचर प्लान्स आज YouTube पे अपलोड करने वाला हूँ कि मेरे फ्यूचर प्लान्स क्या है YouTube के अंदर, उस पर मैं आपको क्या चीज़ें प्रोवाइड कराने वाला हूँ। बिल्कुल फ्री सब्सक्रिप्शन है जिसपे आपको बताया जाएगा कि कंपनी की वैल्यूएशन कैसे निकाली जाती है, पूरा आपको एक्सेल के थ्रू समझाया जाएगा। जो हम बता जो बड़े बड़े जो टीवी के अंदर न्यूज़ चैनल्स के अंदर एनालिस्ट होते हैं जो सजेस्ट करते हैं कि हाँ ये अनुमान है कि ये पर्टिकुलर कंपनी का ये रिजल्ट आ सकता है, ऐसा अनुमान है, ऐसा क्वार्टर आ सकता है, तो वो कैसे प्रिडिक्शन करते हैं, वो सारा चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी इस यूट्यूब चैनल के अंदर, जो कि पूरे यूट्यूब के अंदर किसी ने आपको नहीं सिखाया होगा। पूरी आपको एक ट्रेनिंग दी जाएगी, कोर्स दिया जाएगा यूट्यूब के अंदर, जिसमें आपको फंडामेंटल ऑप्शन टेक्निकल के पूरे कोर्सेज आपको दिए जाएंगे वीडियोस के थ्रू, वो भी फ्री होगा। तो वो फ्यूचर प्लान में लेकर आने वाला हूँ, उसकी वीडियो में आज नहीं तो कल तक अपलोड करने वाला हूँ। वो फ्यूचर प्लान हम 15 जून से स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आपने अभी तक उस सब्सक्रिप्शन मेरे अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए वो फ्री सर्विस पाने के लिए, उसमें आपको सारी डिटेल समझाई जाएगी। आपको बस 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, आपका एक एक्सेल और आपका एक लैपटॉप कैरी आपके पास होना चाहिए। इसी के साथ मैं वीडियो को खत्म करता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे व्यूज बताइए कि अगर उन्हें आज उन्होंने ट्रेड लिया इन पर्टिकुलर 3 स्टॉक्स पे तो उन्हें प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताइएगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो को खत्म करता हूं, मिलता हूं आपसे कल नई वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ।